दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले, गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल चालू किया गया है। पोर्टल का नाम है मेरी पहचान। दोस्तों इस पोर्टल पर आपको सभी स्टेट के सभी सर्विसेज यहां पर आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाती है। जैसे आपको यहां पर राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, पैन कार्ड बनवाना हो, तो पहले क्या था, पहले आपको अलग अलग पोर्टल पर जाकर वहां से विजिट करके आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड को वहां से बनवाना पड़ता था। लेकिन आप यहाँ से मेरी पहचान की पोर्टल, अगर आप यहाँ से फ्री में आईडी पासवर्ड को अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक ही पोर्टल पर सभी सर्विसेज का लाभ मिलेगा। सभी स्टेट में जितने भी सर्विसेज हैं, सभी सर्विसेज का यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। किसी भी अन्य पोर्टल पर आपको कोई भी सर्विस के लिए वहाँ पर आपको नहीं जाना पड़ेगा। एक ही पोर्टल से आप बिल्कुल ईजिली आप सभी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो आपको कैसे यहाँ से आईडी पासवर्ड लेना है और आप कैसे पूरी सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे करते हैं रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो, सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप में आप कोई में गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है मेरी पहचान gov.gov.in। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं, मेरी पहचान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मेरी पहचान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल सिंगल साइन ऑन पहचान एक सेवाएं अनेक, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आप यहाँ पर अबाउट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग आपको सर्विसेज का लाभ लेने के लिए आपको अलग अलग पोर्टल पर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको इसी एक ही पोर्टल पर आपको अलग अलग सर्विसेज का आपको लाभ मिलने वाला है। तो आपको लाभ लेने के लिए आपको आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉगिन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है। तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं नाउ टू मेरी पहचान रजिस्टर नाउ, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल इंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर फिल किए हुए हैं उसमें ओटीपी जाएगा, तो आपको इसमें ओटीपी फिल कर देना। आपको ओटीपी फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल नेम फिल कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर फिल कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट यूजर नेम, आपको यहाँ पर एक क्रिएट यूजर नेम आपको फिल कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक मनपसंद पिन आपको फिलअप करना है, 6 डिजिट में आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पिन फिलअप कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट व इस पर आपको कंसल्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लाकर मेरी पहचान जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर आई डी पासवर्ड क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं वेरीफाई योर अकाउंट विथ आधार, अगर आप इसमें आधार नंबर डाल के आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको स्किप नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने अगला इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर सभी स्टेट के नाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आपको किसी भी स्टेट का लाभ लेना है तो आप सिंपली आप यहाँ से सभी स्टेट का लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको स्टेट बाई स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश स्टेट, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में जितना भी यहाँ पर सर्विसेज है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार स्टेट सर्विस, अगर आपको बिहार का स्टेट सर्विस का आपको लाभ लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बिहार का यहाँ पर आ जाता है। स्क्रॉल करके आप इसमें देख सकते हैं आप जिस भी सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल ईजिली आप ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक्सेस नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आ जाता है। सिंपली आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद आप सिंपली आप यहाँ से लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर सभी स्टेट मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपको जिस भी सर्विस का लाभ लेना है सिंपली आपको क्या करना है, उस सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे उस सर्विस पर, उसके बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक्सेस नाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से आप उसको लॉगिन करके आप यहाँ से बिल्कुल इजीली आप
एक ही सर्विस या टोटल काम कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जिले का नाम मिल जाता है। आप इस जिले में आप जो भी आपको जिस भी सर्विस का लाभ लेना है, आप उस सर्विस का आप यहाँ से लाभ ले सकते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह आप घर बैठे इजीली आपको अगर किसी भी सर्विस का लाभ लेना है तो आप एक ही पोर्टल मेरी पहचान पोर्टल पर आप जाकर के आप बिल्कुल इजीली आप सभी सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं। अब आपको कहीं भी किसी भी पोर्टल पर जाने की और वहां पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली आप एक ही पोर्टल से आप पूरे आप जो भी आपको काम करना है आप सिंपली सब काम आप कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।